Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. In the previous video, we have understood about nuclear families and big family. Nuclear family. A family in which there is a parents and their children. Nuclear family में parents होते हैं और उनके children होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? Nuclear family. Which are the big families? A family in which there are parents and there are more than two children. That is a big family. Big family में parents होते हैं और उनके दो से ज़्यादा चिल्ड्रन होते हैं, जिसे हम बिग फैमिली कहते हैं. सो टुडे वी विल अंडरस्टूड अबाउट जॉइंट फैमिली. सो लेट्स स्टार्ट. अ जॉइंट फैमिली इज अ वेरी लार्ज फैमिली. जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली होती है. इट हैज़ ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर, फादर, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. जॉइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं? ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, यानी जो हमारे दादाजी और दादी जी होते हैं, वो हमारे मदर और फादर, मम्मी पापा, अंकल्स एंड आंट्स, और जो हमारे चाचा चाची रहते हैं वो भी, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे, उन्हें हम क्या कहते हैं? कजिन. They are cousin. They all live in one house. ये सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं. A joint family is known as an extended family. Joint family का मतलब होता है विस्तृत परिवार, यानी बड़ा परिवार. Now more to know. My uncles and aunts are the brother and sisters of my parents. Uncle और aunts कौन होते हैं हमारे? हमारे parents के brother हो सकते हैं या फिर sister हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? Uncle और aunt. The wife of my uncle. Wife of my uncle, ताऊजी, चाचाजी और मामाजी is also known as my aunt, यानी मेरे अंकल. वो कोई भी हो सकता है, अगर वो मेरे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं और मामा जी हैं, उन सब की वाइफ क्या कह सकते हैं हम? aunt. क्या कह सकते हैं? aunt. The husband of my aunt, भुआ जी, मौसी जी, is also known as my uncle. अगर मेरी जो aunt है तो उनके हस्बैंड को हम क्या कह सकते हैं? अंकल, या तो वो बुआ जी हो या मौसी जी हो, उनके हस्बैंड को हम क्या कहेंगे? अंकल. द चिल्ड्रन ऑफ माय अंकल एंड आंट आर माय कजिन्स. जो मेरे अंकल और आंट हैं, उनके चिल्ड्रन को हम क्या कहेंगे? कजिन, या तो वो ब्रदर हो सकता है या सिस्टर. That is cousin brother or cousin sister, yani chachera bhai ya chacheri behan. Now come on. Now I know. Is chapter mein humne kya kya sikha wo dekhte hain. Relatives living together form a family. Jo relatives hote hain wo saath mein rehte hain. Together ka matlab hota hai saath mein rehna. साथ में रहते हैं वो क्या होती है? फैमिली बनती है, यानी एक परिवार बनता है. अ फैमिली में बी स्मॉल और बिग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स. फैमिली स्मॉल है या बिग है, किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मेंबर्स पे, यानी उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उस पे से हम कह सकते हैं कि वो फैमिली छोटी है या बड़ी है. A joint family is a very large family. Joint family बहुत बड़ी family होती है, large family होती है वो. A family may consist of grandparents, parents,
their children, अंकल्स, आंट एंड कजिन्स. जॉइंट फैमिली में कौन कौन आता है हमने ऊपर देखा था. ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल और आंट और कजिन यानी उनके बच्चे जो हमारे भाई बहन लगते हैं. नाउ यू हैव टू रीड दिस लेसन थॉरली. वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट इन विच वी विल अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन.